अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो विद न्यू रेसिपी। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो मछली का सूप बना रहे हैं, और जिसकी जो कि सबको पता है कि सर्दी आने वाली है और सर्दियों में सूप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए आए रेसिपी की तरफ। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो मछली की बना रहे हैं, मछली का सूप बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने कोरिएंडर ले लिया, हरी प्याज ले लिया, हरी प्याज का वाइट पार्ट भी लेंगे वो भी यूज़ करेंगे, हरी मिर्च लेंगे और अदरक लहसुन बारीक चॉप कर लेंगे। मछली हमने 1 kg ले ली है, इसका हेड तो लाजमी है, हेड के बगैर आपको सूप में टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। आप हेड इसका लास्ट में यूज़ करिएगा और अच्छे से इसकी सफाई करवा लीजिएगा। 1 kg मैंने इसमें मछली यूज़ की है। चलिए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम खुला एक बर्तन ले लेंगे, उसमें हमने जो है वो 2 tablespoons के करीब जो है वो मैंने इसमें देसी घी डाला है। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, सोल्टेड अनसोल्टेड जो भी अवेलेबल हो। हरी प्याज का वाट पार्ट जो होता है वो हम इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले उसको हम इसको शेलो फ्राई कर लेंगे। मछली का सूप जो है वो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, सीने में जितना भी बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन होता है उसके लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए ये इक्वली फ़ायदेमंद है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। अब हम इसमें जो है लहसुन चॉप किए हुए वो भी इसमें शेल फ्राई कर लेंगे। इसका भी एक अगला एक टेस्ट होता है, ये भी हमारे फ़ायदेमंद होता है। अब इसमें बारीक स्टार्ट में ही हम इसमें सारी चीज़ें जो है वो शेल फ्राई कर लेंगे। साथ में अदरक और हरी मिर्चें भी इसमें हम फ्राई कर लेंगे। सर्दी में ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को जो 6 महीने से छोटे होते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसका सिर्फ जूस उन बच्चों को फीडर में डाल के आप दे सकते हैं, थोड़ा सा नीम गर्म। ग्रीन चिली आप इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे हल्की सी। ये सूप बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इसको लास्ट में ट्राई करिएगा, अपनी फैमिली को दिएगा। सर्दियों में तो खांसी, नज़ले, ज़ुकाम, बुखार, ये सब चीज़ें तो आम होती हैं। उस रूटीन में ये सूप बहुत काम आने वाला है, आपको सबके लिए इक्वल है। सारी चीज़ें फ्राई करने के बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और साथ में इसमें जो है हम ये मैंने जो डाला है वो डाला है लेमन। लेमन जो है फ्रिज किया हुआ लेमन है और उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, वो डाल देंगे। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, खट्टा खट्टा सा थोड़ा सा टेस्ट आएगा और बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का होता है। आप फ्रेश लेमन नहीं लीजिएगा, आप जो है हमेशा जो है ड्राई लेमन को घिस लीजिएगा। और ये जो है 1 piece जो है इसमें मैंने बे लीफ डाल दिए हैं, इसको तेज़पात बोलते हैं, ये डाल देंगे। इसको भी बॉईल कर लेंगे और साथ में हम लेमन के जो पत्ते होते हैं, अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो अच्छा है और नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फ्रेश लेमन के पत्ते से आप इसको ऐड कर दें और इसको भी बॉयल कर लें अच्छी तरीके से। सब चीज़ें जब अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तो फिर हम इसमें फ़िश हमारा ऐड कर देंगे। और मछली को आप पहले नमक लगा के और सिरके के पानी में ज़रूर भिगा देगा, इससे मछली में जो है बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इसके गोश्त में मैंने इसको नमक लगा के रखा हुआ था 1 घंटा और इसको फिर अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और इसके गोश्त में अच्छी तरीके से जो है वो नमक का टेस्ट आ चुका है। और इसका फिर मैं आपको कह रही हूँ, जब भी मछली का सूप आप बनाएं इसमें हेड लास्ट में डालिएगा मछली का, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये बहुत ज़्यादा जायका होता है और फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा है। सब चीज़ें डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हमने कोई और मसाले वगैरह ऐड नहीं करें क्योंकि मछली को हमने सिरके और नमक के पानी में डाल के रखा हुआ था। अब ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर देंगे, इसलिए मछली के जो गोश्त है उसमें टेस्ट अच्छा आ जाएगा नमक की वजह से। नमक भी ऐड कर दिया है और हमने साथ में जो है ये ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। सारी चीज़ें डाल के हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और आप इसमें जितना चाहे पानी जो है वो ऐड करके इसको पका लें, सूप इसका अच्छे से बना लें और ये गरम गरम पेश करें, बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। अब इसमें हमने हरी प्याज डाल दी, हरी प्याज हम डालेंगे। हरी प्याज जब हम सूप पीते हैं तो ये अपना अच्छा सा करंस देती है, टेस्ट देती है, बहुत ही मज़े का लगता है और इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप अच्छी तरीके से सब चीज़ों को मिक्स करके आप इसमें अच्छा सारा खुला पानी डाल के इसको अच्छा सा सूप बना लें, आपका सूप अब रेडी है। मछली को ज़्यादा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होती, ये 10 से 15 मिनट में बॉयल होके अच्छा सा गोश्त जो है इसका गल जाता है
तो ये अच्छी तरीके से गल जाती है मछली। कोशिश कीजिएगा कि कम कांटे वाली हो, इसमें कांटे ज़्यादा नहीं हैं। सूप बनाते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखें मछली बड़े साइज़ के लें और इसमें हेड भी लास्ट में ऐड करें, इसमें कांटे नहीं होते। 10 मिनट पकाने के बाद जो है हम इसको चेक करते हैं। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं और मछली में अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है और हमारा जो मछली का गोश्त है वो भी गल चुका है। ये देखें कितना यखनी टाइप इसका टेस्ट आया है। आप चाहें तो इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, मैंने स्किप करी, मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली। अब इसमें हम हरा धनिया भी डाल के पका लेंगे। गोश्त गल चुका है और यखनी हमारी अच्छी से बन चुकी है, अभी खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी लगेगी। अब आप बे लीफ को और करीब जो लेमन के हमने लीफ यूज़ करे हैं आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं और इसको बाउल में डाल के हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सूप हमारा रेडी है। गरम गरम सूप सर्व करें, खुद भी पिएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं, खुश रहें, आबाद रहें। और आपको मेरी ये सूप की आसान सी रेसिपी कैसी लगी और अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये रेसिपी ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपने बनाई कि नहीं बनाई और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।